हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड द्वारकाधीश धाम। होप करता हूँ सब ठीक होंगे। तो फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं एक और नए व्लॉग की, और मैं और गुगली भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आप बताओ सीढ़ियाँ चढ़ के हम कहाँ जा रहे हैं? मोहित भाई के पास। तो दोस्तों हम मोहित भाई के पास जा रहे हैं, एक और ऊपर, एक और ऊपर, एक और ऊपर। तो जैसे अपने पीछे के व्लॉग्स में प्यार दिया, इस व्लॉग में जरूर प्यार दे रहे हैं आपने, तो बने रहो व्लॉग में। आज हमारा तीसरा एपिसोड, आज हम आपको बताएंगे पूरा दिन क्या करते हैं हम और क्या होता है हमारी यात्रा में। तो दोस्तों ये देखो द्वारकाधीश शहर, ये सामने देखो, और ये नीचे हमारी कथा आ रही है, और वो देखो वहाँ पे समुंदर है सामने। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये है समुंदर, चेक करो आप, ये है समुंदर। बहुत ही प्यारा इलाका है यार, कसम से बहुत ही। द्वारकाधीश का जो व्यू मोहित भाई के रूम से है वो हमारे रूम से नहीं है यार, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। देखो मन को शांत करने वाला व्यू है। यहाँ नीचे हो रही है कथा, तो ये देखो कथा। कल तो ये पूरा फुल था, पंडाल तो फुल ही था, बाहर भी सारा फुल था जैसे कि आपने पीछे के व्लॉग में देखा है। तो ये कुछ लोग जा रहे हैं दर्शनों के लिए, तो वो अपने कोहली साहब खड़े हुए हैं नीचे, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कोहली साहब खड़े हैं लोगों के लिए, गाड़ियों का बंदोबस्त कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार व्यू यार, बहुत मज़ेदार व्यू। तो दोस्तों फिलहाल लिफ्ट में बैठे हैं, हम चलते हैं अपने रूम में और डालते हैं कपड़े, क्योंकि महाराज जी से जो कि सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ चुकी है हम दोनों को, क्योंकि महाराज जी सुबह दर्शनों के लिए गए और ना ये था ना मैं था, तो उनकी फोटो वीडियो करनी थी, कुछ भी नहीं हो पाया। सुबह सुबह से आपके सामने बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ चुकी है, तो अभी हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और हम अपनी ड्यूटी में लगे रहेंगे, अपनी ड्यूटी से कहीं आगे पीछे नहीं होंगे। तो दोस्तों ये है हमारी रसोई, और यहाँ पे अभी महाराज जी जो है कि निरीक्षण करने आए हैं रसोई का। ये देखो अभी महाराज जी कुछ करेंगे भी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आप वो भी देखना। और वो सामने लंगर हॉल है, और यहाँ पे महाराज जी जो है कि निरीक्षण करने आए। ये भैया सेवादार हमारे सभी, देखो आप ये हमारा ट्रक जो नौशहरा से आया था उसके अंदर बन रही है रोटियाँ। ये देखो आप सामने एक गुरु जी आ गए। तो गुगली भाई अभी क्या सीन है? ये चाय बना रहे हैं महाराज जी के लिए, महाराज ने कथा पे जाना है। आप बना रहे हो? मैं नहीं बना रहा, हलवाई बढ़िया बना रहे अच्छी से। और आगे का बताओ ना हमारे दर्शकों को कुछ, आज रात का क्या सीन है? दुनिया दी। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं रसोई में, तो यहाँ पे बन रही है गुरु जी के लिए चाय, चाय पी के गुरु जी करेंगे कथा, फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे शाम को आज वापस मंदिर जाएंगे या कहीं और घूमने फिरने जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है सीन। तो फिलहाल चाय बन रही है, और बाहर जो है कि लोग लंगर भी खा रहे हैं, अपना सारे काम चल रहे हैं साथों साथ। तो ये भैया चाय बना रहे हैं हमारे हलवाई। तो दोस्तों आए हुए थे हम मोहित भाई के रूम में फिर से, तो ये मोहित भाई हमारे बैठे हुए हैं। अंजी भाई जी ओके है सब? ओके, जय श्री राम। कुछ बोलो द्वारकाधीश धाम के लिए। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि राघव भाई के चैनल के माध्यम से कि भाई को सपोर्ट करो, और जो द्वारकाधीश धाम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, मतलब टेम्पल बहुत बढ़िया टेम्पल है, आप एक बार विजिट करें और महाराज जी का जो कथा चल रही है उसको सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। आप गुगली भाई से पूछेंगे, आप भी बोलो कुछ द्वारकाधीश के लिए। जय द्वारकाधीश, देवे बीस मांगे तीस, देवे बीस मांगे तीस नहीं, मांगे बीस देवे तीस। दोस्तों ये जले लोग जले ही रहेंगे, इनको तो दोस्तों अब यहाँ पे लंगर शुरू होने लगा, और गुरुजी आए हैं यहाँ पे लंगर शुरू करवाने के लिए, और ये पहुँच गए लंगर खाने के लिए, पहले पहुँचे होते हैं हर जगह। तो पीछे लोग भी सभी आ गए हैं, चेक करो ये यहाँ सामने गुरुजी पूजा करेंगे, सामने आप देखते जाओ इन्होंने आज जो है कि आज का लंगर लगवाया है, सब दिखाएंगे हम आपको अपने ब्लॉग में।
दोस्तों कथा तो खत्म होगी और अभी मैं और गूगली निकल पड़े हैं वापस द्वारकाधीश की सड़कों पे और हम फिर से जा रहे हैं मंदिर। और आज हम सोच रहे हैं कि आज हम स्कूटी यहाँ से रेंट पे ले लें, क्योंकि रोज़ पैदल नहीं चलने होता। तो देखते हैं, अगर आज हमें स्कूटी मिल गई फिर तो हम आगे पीछे घूमने भी जाएंगे, क्योंकि हमें घूमने का टाइम नहीं होता। तो अब देखते हैं क्या बनता है, अगर आगे स्कूटी मिलती है या नहीं। तो फिलहाल हम निकल पड़े हैं द्वारकाधीश की सड़कों से, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है, आज हो सका तो आज फिर से दर्शन करेंगे। तो भाई आज फिर हम घूम रहे हैं द्वारका की गलियों में और आज हम एक नई जगह जा रहे हैं नीचे। तो ये चेक करो आप सामने, आज हम इस साइड जाएंगे। यार काफ़ी अच्छा बाजार है द्वारका का, काफ़ी खाने पीने। यार कुछ खाने पीने चलते हैं गुगली, आज चले यहाँ पे घूम जाएंगे। तो गुगली भाई जो है कि आज बोल रहा है मैंने आज भी शॉपिंग करनी है, कल भी इसने शॉपिंग की, 5-6 दुकानों पर गया, बैस की उनका सिर चाटा, लेकिन प्लीज़ 1 रुपये की भी नहीं ली। ये हाल है इसका, देख लो आप। तो आज इस बेचारे को पाँव में भी लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस भाई को आज ना पाँव में भी लगी है, देखो ये बेचारे ने पट्टी बांधी हुई है। अब मैं इसी से पूछूंगा कि तू बता तेरे को लगी कैसे है, बता। ये मैं सेवा कर रहा था लंगर में। दोस्तों मैं आपको सच बताता हूँ, आज क्या हुआ, हम रूम में बैठे हुए थे तो हम रूम से नीचे जा रहे थे कथा वाली जगह में, तो ये बोलता कि सभी रूम्स में ना बेल रिंग करेंगे और हम भाग जाएंगे। तो इसने जैसे ही बेल रिंग की भागने लगा, बेचारा गिर गया और पाँव में लग गई। देख लो ये हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे आगे, क्या हिसाब है इसका। तो फिलहाल हम घूम रहे हैं द्वारका की गलियों में। तो दोस्तों इस वक्त हम आए हैं गोमती नदी में, यहाँ पे अंधेरा नहीं तो मैं आपको दर्शन भी कराता। कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ पे आऊँ, आपको दिन को दर्शन कराऊँ। और ये है सामने नदी और यहाँ पे दो लेडीज पूजा भी कर रही हैं। ये देखो आगे सामने पूरे घाट बने हुए हैं यहाँ पे, ये है नदी। अब रात को दिख रहा नहीं है, ये पुल भी है, पुल का नज़ारा भी दिखाएंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में जब हम दिन को आएंगे। और पुल हाँ, वही जो हमने वीडियो में देखा था, बिल्कुल बिल्कुल। बस चेक करो यार ये। तो दोस्तों ये देखो द्वारकाधीश के बाजारों की रौनक, कितनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पे। रवि मेयर गूगली चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ मिल जाए क्या कुछ मिल जाए। तो ये जा रहे गूगली भाई, गूगली भाई यार कुछ बोलो ना यार, बोलते नहीं हो कुछ। आज बताओ आज क्या हुआ, आज का एक्सपीरियंस बताओ आज के दिन का, यहाँ देख के बहुत आज मेरी इतनी जीती है सभी ने, हैं सेवा बहुत मिली है। आप समझ सकते हो सेवा से, सेवा का मतलब आप लोग समझ सकते हो, सेवा यानी कि आज जो ये गफे पड़े हैं इसको इसको नहीं पड़े, मेरे को भी पड़े हैं आज, दोनों को पड़े हैं जो सच बात है। तो फिलहाल जो है कि ये गफे जो होते हैं ये प्रसाद होते हैं, ये गफे नहीं होते, हमारे लिए ये प्रसाद होता है, हमें पढ़ते रहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो फिलहाल हम घूम रहे हैं द्वारकाधीश की गलियों में। तो गाइस मैं और गूगली अभी आए हैं कुछ खाने और अभी हम खाएंगे पाव भाजी। और ये बैठे हमारे गूगली भाई, हाँ जी क्या खाओगे, जोर से बोलो यार पाव भाजी। तो गाइस यहाँ पे आ गई हमारी पाव भाजी, पहले गूगली ना डर गया था क्योंकि जो इन्होंने ना पाव बाद में लाया, ये बोलता क्या पता पापड़ के साथ खानी पड़े, यहाँ पे पाव भाजी को पापड़ भाजी बोलते हो, क्या हुआ था तेरे साथ। पाव भाजी जय हो महाराज, ये हमारे महाराज बोलो हमारे मांगो विश देव त्रीस, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली मोहित डोंट। तो दोस्तों आपने देखा भी हमारे बाबा, ये भी ठाकुर द्वारे के बाबा हैं, तो मस्ती में रहते हैं, ये न्याई के हैं गुजरात के। जय द्वारकाधीश, मांगोगे 20 मिलेगा 30। तो गाइस वापस आ चुके हैं आश्रम में, तो अभी सोएंगे खाना खाएंगे फिर अंदर सो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे ध्वज भी चढ़ाना है। और आपको नेक्स्ट व्लॉग में आएगी वीडियो मंदिर की, मंदिर में ध्वज चढ़ाने जाएंगे हम बैंड बाजे के साथ। तो दोस्तों अब यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग को एंड और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग, थैंक यू गाइस।